यूपीएन व्यूअर्स, दिस इज रजा मुजाहिद फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लिमिटेड बहरिया टाउन कराची। जैसे कि यूपीएन आपको टाइम टू टाइम रियल स्टेट से रेलिवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहता है। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ कि बहरिया टाउन पेशावर की जो अभी लॉन्चिंग की जा रही है, सबके नॉलेज में है ये बात, तो उसका बहरिया टाउन कराची के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके रेट्स से क्या, इनके रेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताता चलूँ बहरिया टाउन पेशावर का। हमारे बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं यूपीएन के, जो हमसे डिफरेंट वेज में कंसर्निंग क्वेश्चंस उनके होते हैं कि हमने पेशावर के लिए बुकिंग करवानी है, उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या डेट है जो उसकी लॉन्चिंग होगी, और कहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है और कब किया जा रहा है। तो पहले तो इसका बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो इसका जो बहरिया टाउन पेशावर का सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस था उसका इफ्तिताह हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि मलिक रियाज साहब खुद इसके लिए आए थे, वहाँ पे उस सेरेमनी में वहाँ पे मौजूद थे, शायद कुरेशी साहब बहरिया टाउन कंट्री हेड वहाँ पे थे। तो बाकी ओवरऑल जो वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा था, मतलब ओवरऑल यहाँ से तक कराची तक से लोग गए हुए थे वहाँ पे उस मतलब सेरेमनी में इन्वॉल्व होने के लिए, और काफ़ी वो सक्सेस हुई है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का जो बहरिया टाउन कराची से हटके पेशावर की जो लोकेशन है, लोकेशन के हवाले से अभी तक कोई भी ऐसी 100% किसी को श्योरिटी नहीं है कि बहरिया इसकी लोकेशन कहाँ पे दे रहा है और इसकी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ जो इसकी लॉन्चिंग है, जिस तारीख को ये फाइल्स और प्लॉट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, उसकी अभी तक डेट किसी को कन्फर्म नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट ऑफ द मंथ अब आ रहा है जनवरी का, इसके मे बी फर्स्ट वीक के अंदर या बहरिया लास्ट वीक के अंदर मंथ के इसकी लॉन्चिंग कर दे, मतलब जो इस वक्त की एक्सपेक्टेड डेट्स की जा रही हैं। लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि जनवरी के अंदर बहरिया टाउन पेशावर जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत तेज़ी आएगी वहाँ पे, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब जो केपीके के खासकर लोग हैं, जो पठान कम्युनिटी है, वो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक लॉन्ग वेटेड के बाद केपीके वालों के लिए एक सरप्राइज है बहरिया टाउन पेशावर की शक्ल में, कि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसको वो अगर अवेल करें तो इन फ्यूचर के लिए एक अच्छे उनकी इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तब ही अच्छी प्रॉफिट में उनको रिटर्न होगी जब वो बिल्कुल स्टार्ट में, इनिशियल स्टेज में उसमें बाइंग कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने कराची 2015 में लॉन्चिंग जब इसकी की गई थी, तो तब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने ऑन द स्पॉट विद इन अ आवर्स, नॉट डे, नॉट मंथ, नॉट वीक्स, विद इन अ आवर्स उन्होंने यहाँ पे पेमेंट्स जो लगाई हुई थी उनके उनको रिटर्न्स हुए थे प्रॉफिट्स की शेप में। सेम यही सब कुछ पेशावर में होने जा रहा है। आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह इसका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट होगा पेशावर के ऊपर भी। अगर अब हम बात करें कराची की, तो कराची इस वक्त बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन हैं कि कराची के रेट्स नीचे आए हुए हैं, सैलरीज को तो हम बिल्कुल होल्ड करवा रहे हैं, और यूपीएन हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए मतलब वही ऑप्शन उनको शेयर करता है जो उनके बेनिफिट्स में है। तो हम लोगों ने सैलरीज को इस वक्त होल्ड पे करवाया हुआ है कि जैसे पेशावर लॉन्च होगा उससे कराची बहरिया की जो मार्केट है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त बाइंग पावर मार्केट में आएगी तो उससे जो आपके जो सेलर्स होते हैं या जब बायर आता है, डेफिनेटली डिमांड से उसकी सप्लाई में कमी होगी, तो उससे लोगों का जो एक पावर है वो बहुत बढ़ेगा और उनके जो रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो आप लोग जो भी कराची के इस वक्त उन सेलर्स जिनके ओल्ड बीटीके में, मतलब नॉट वो लोग के जिनकी डिस्प्यूटेड लैंड थी या जिन्होंने बाद में बाइंग की, वो लोग जिन्होंने ओल्ड बीटीके में बाइंग की हुई है वो लोग वेट करें। पेशावर लॉन्चिंग के साथ साथ इंशाल्लाह उनको भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि यार हम लोग उनके पास यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स हैं कराची में, हम लोग मतलब रेजिडेंशियल्स भी हैं, उसके अलावा फाइल्स भी हैं, विलास भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, वट एवर जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं उनकी, वो इनको स्विच करके पेशावर में बाइंग करना चाह रहे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों को यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हुए वहाँ पे इसको गेन करके अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को पेशावर की इनिशियल स्टेज पे लॉन्च कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी जैसे इंशाल्लाह इसकी लॉन्चिंग होती है बहरिया की तरफ से, हम लोग इंशाल्लाह आपको प्रॉपर अपडेट करते हैं।
और लोग इसमें बहुत सारे मतलब नेगेटिव र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ये डेट है, ऐसी डेट है, वो डेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएन के मेंबर्स भी उस सेरेमनी में थे जिस टाइम ये सेरेमनी की गई थी पेशावर में, और कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। इवन के मलिक रियाज साहब और शायद कुरैशी साहब जब वहाँ पे अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्पेसिफिक बोला था कि जो लॉन्चिंग की डेट है वो आप लोगों के नॉलेज में भी होगी सब कस्टमर्स के, इवन के ये जियो और जो हमारे स्मार्ट टीवीज हैं उन पे भी आया था कि जो लॉन्चिंग डेट है वो एक सरप्राइज है सबके लिए। तो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है जनवरी में इंशाल्लाह लॉन्च होगी। फर्दर मेरा नीचे दिए गए नंबर पे आप किसी भी टाइम मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।